बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर वीलॉग। तो भाई सीन ऐसा है कि जुमरात वाले दिन जो है वो मजदूर आए थे, उनसे हमने जो है वो ड्राइंग रूम की दीवार टूटवाई थी और जो है वो अम्मी पापा के रूम की जो वॉशरूम वाली दीवार है वो टूटवाई थी। जुम्मे वाले दिन जो है वो मजदूरों ने छुट्टी कर ली थी, तो हफ्ते वाले दिन वो आए थे, उस दिन उन्होंने दीवार वगैरह बना दी थी अम्मी पापा के रूम की। दीवार तो बन गई थी, आज होगा दीवार पे पलस्तर और चौखटे वगैरह लगेंगी और इलेक्ट्रिशियन थोड़ा सा काम करेगा आज। इसके अलावा बाहर वेल्डिंग वाले भी आए हुए हैं, एक रूम की जो वो चौखट गलत बन गई थी तो वो जो है वो बाहर वो ठीक कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ घर में काम क्या हो रहा है। तो ये चौखट है जो वो लोग बना रहे थे, ये उल्टी बन गई थी, अब इसको सेट करके पूरा बना दिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो ड्राइंग रूम को जो गोल मेहराब में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो है वो अब हमारा इरादा चेंज हो गया, अब हम गोल मेहराब नहीं कर रहे, अब हम इसको जो है वो स्क्वायर शेप में बनवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गोल मेहराब जो है ना वो हो गया पुराना, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा इसके ऊपर स्लाइडेड डोर लगवा देंगे या फिर जो है वो ऐसी नॉर्मल जो डोर होते हैं ना वो वाले लगवा देंगे। तो ये पूरी जो है ना पर लग जाएगी चौखट, ठीक है। इस जगह पे पलस्तर हो जाएगा और इस पे भी पूरा पलस्तर हो जाएगा, उस पे लग जाएगी नई चौखट। अभी जो है वो इलेक्ट्रिशियन आए हैं और ये जो बीच में जो ये तार आ रहा है ना ये हटवा रहे हैं, इसको करवाएंगे साइड पे। ये तार बीच में बहुत बुरा लग रहा है तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इलेक्ट्रिशियन आया हुआ, वो कनेक्शन कर रहा है अभी इसका। अम्मी पापा कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए हुए हैं और मज़दूर काम कर रहे हैं, तो मुझसे पूछ रहे हैं कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, बेहतर मेरे माँ बाप जानते हैं, वो उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं कब आएंगे। कटिंग हो चुकी है और अब ये इसको तोड़ेंगे और बोर्ड इस तरफ आ जाएगा। इतनी धूल मट्टी हो गई, कसम से अंधा हो गया मैं। अम्मी पापा आ गए हैं और ये शॉपिंग करके आए हैं, देखो इतनी देर में आए हैं और इतना सारा सामान लेके आए। इतनी देर से मैं परेशान हो रहा था, बार बार मेरे से मजदूर पूछ रहे थे कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ लगवानी है, बटन कहाँ पे लगेगा, ये कहाँ पे लगेगा। मैंने कहा भाई अम्मी पापा को आने दो, मेरे वो बताएंगे। इस बिल्ली ने किया हुआ है परेशान, पता नहीं क्या करना चाह रही है। हाँ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या चाह रही हो, क्या चाह रही है भाई, चल भाग जा, चल भाग जा। अब ये लोग अमरूद वगैरह लेके आए हैं, फुल चाट मसाला डाल के खा रहा हूँ मैं। और आज टमाटर को जो है ना मतलब ऐसे ही खाएंगे और अलग तरीके से। सारा खेल है पावर का, ठीक है। आपको काटना नहीं है, दो उंगलियों से खोल लेना है इसको, जिसमें जान नहीं है ना उससे नहीं खुलेगा ये, इजी। तो अमरूद खा लिए, अब केले का जूस पीना है। अब कोई भी नीचे आके कमेंट में ये नहीं बोलना कि पूरा जग भर के पी गए, मेरी मर्जी, मैं जग भर के पीऊं, पूरी बोतल भर के पीऊं, हू द हेल आर यू। बिल्ली बहुत देर से चीखे जा रही थी, मैंने कहा इसको, कहाँ गई बिल्ली, बिल्ली आओ मेरे बच्चे, ये लो, ये लो खाओ, हाँ 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 ये लो खाओ। बिल्ली तो खा रही है रोटी, बजरी भी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, काफ़ी जो है वो माल बना चुके हैं इससे, और 50 भी लाख थे, कुछ 10-15 रह गए होंगे। और ये वो चौखटें हैं जो अंदर कमरों से निकली हैं, एक ड्राइंग रूम की होगी, एक अम्मी के कमरे की होगी, एक वॉशिंग एरिया की होगी। तो आज हानिया की बर्थडे भी है और घर में काम भी हो रहा है, कहीं हम बाहर जा भी नहीं सकते, ना हम घर में बुला सकते हैं किसी को, क्योंकि घर फैला हुआ है ना, अच्छा नहीं लगता, मेहमान बुला लो बहुत सारे, अच्छा नहीं लगता। तो आप देखेंगे भाई कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हो सकता है घर में ही करें सेलिब्रेट, केक वगैरह ऑर्डर करके। आज छुट्टी है पापा की, घर में काम करवा रहे हैं आज। आज काम क्या करवा रहे हैं, मजदूर बने हुए, सारा काम देखना पड़ रहा है अपने हिसाब से, ये फिर ये इनके ऊपर छोड़ देंगे तो ये यकीनन इतना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसलिए देखना पड़ेगा लाजमी। तकरीबन जो है वो 5 बज रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कितना काम जो है वो हो चुका है। तो भाई पहले तो ये देखो, ये जो दरवाज़ा था वो था इस साइड पे, यहाँ से तोड़वा के हमने इसको कराया इस साइड पे, यहाँ जो विंडो थी वो भी टूटवाई है, और उसके बाद यहाँ पे एक नई दीवार बनी है, उस पर पलस्तर हो चुका है, और ये आज नई चौखट लगी है, ये भी जो है वो बन चुकी है। लेकिन एक मसला है, यहाँ से इंटर होते ही ये जो है वो मेन पॉइंट है घर का, या ये बिल्कुल आता है और ये प्लास्टिक का है, तो हम इसको करवाएंगे चेंज, ठीक है। यहाँ से ही लेफ्ट साइड पर टर्न होते ही हमने वॉशरूम का गेट यहाँ पर करवा दिया, जबकि पहले जो है वो ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ से इसको टुटवा के हमने इधर एक नई चौखट लगवा दी है, अब इस जगह पर भी पलस्तर हो जाएगा
और वॉश बेसन अंदर लगा हुआ था, हम इसको यहाँ लगवाएंगे। भाई तकरीबन 7:30 हो रहे हैं और मजदूर जो है वो जा चुके हैं सारे। मैं पापा के साथ किसी काम से बाहर गया हुआ था तो मैं अभी आया हूँ। आरएस जो है वो डब्बा डब्बा देखता है रोजाना और इसी मनुष को देखता रहता है, इसके अलावा कोई और नहीं है, इसके अलावा कोई और नहीं देख सकते तुम तो। भाई पूरे दिन इसकी आवाज़ गूंजती रहती है हमारे घर पे। पापा बुला रहे हैं हानिया की सालगिरह के लिए बलून और थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, ये हैप्पी बर्थडे के लिए ये है नेम। और दो बलून फुला दिए हैं, तीसरा भी फुला रहे हैं। गाइस फटने वाला है ये। मेरे होठ दरअसल गीले हो रहे हैं, वो खुद ही मेरे से भाग रहा है। ये देखिए मैंने कितने सारे बुलाए, झूठ बोल रहे हैं, मैंने सारे बुलाए हैं, अपना नाम ले रहे हैं। चल झूठा। आज हानिया की सालगिरह, हानिया ने कोई अजीम काम नहीं किया इस दिन, तो इसलिए हमसे इतने ही बलून फुला रहे हैं। हमारे अंदर इतनी जान नहीं है जो हम फजूल में अपनी जान जाया करें, ठीक है। केक काटेंगे, सालगिरह खत्म, रात को 12 बजे को तैयारी होने वाली हानिया की, सही है। तो अभी के लिए इतना ही। थोड़ी सी देर की इज्जत है। तो भाई सारा जो है वो हम लोगों ने सजा दिया है, बीच में हैप्पी बर्थडे लगा दिया है और बलून लगा दिए हैं प्यारे प्यारे से साइड पे। तो भाई प्यारा सा केक मंगाया पापा ने, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका, और ये प्यारी सी मोमबत्ती और प्यारी सी हानिया की सालगिरह है। सही है भाई, रेडी है हानिया? बिल्कुल। तो आप केक कट करते हैं। आमीन 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 आमीन। आनिया इसके अंदर होगा क्या, गैस करो। आनिया बताओ, पता नहीं तो खोल लो फिर पता चल जाएगा। तो क्या निकलता है इसमें से भाई, निकालो 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 निकालो। ये वाह, कितनी प्यारी गुड़िया दी है। ये दिया है अम्मी ने आनिया को 100 रुपये। ये तो अब है जी गिफ्ट देने की बारी। पापा ने गुड़िया दे दी, मैं आनिया को लेस दे रहा हूँ। खाने पीने वाली चीज़ें देते हैं ना, ये लो। सही है भाई, वेलकम। आरिज ने दी है आनिया को चॉकलेट, जल्दी से दो। खाने को मन कर रहा है। लेकिन आनिया को दे दो, बाद में तुम दोनों शेयर कर लेना। सही है, अब बारी है जी केक खाने की। ज़बरदस्त केक लग रहा है देख के, तो मैं आपको क्या बताऊँ, इसका कॉफ़ी टेस्ट है, कॉफ़ी केक होगा ये मेरे ख्याल से। तो हानिया की बर्थडे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो गई है, और मैंने आज अपनी वीडियो में अपनी फैमिली की आवाज़ें भी थोड़ी सी डाली हैं, घर वगैरह के अंदर हम किस तरीके से इन्जॉय करते हैं वही मैंने आपके साथ थोड़ा शेयर करा है। और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी घर का फिलहाल इतना ही काम हुआ है, आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो में, और इंशाल्लाह काम होता रहेगा। तकरीबन ये पूरा जनवरी का जो मंथ है ना, पूरा इसी में ही निकल जाएगा कामों में। आपको इंशाल्लाह हाउस टूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब तक आप लोग जो है वो सपोर्ट करते रहो मुझे, ठीक है, वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और वीडियो को शेयर कर दिया करो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर करो, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो ज़्यादा व्यूज़ मेरे पास आए, ठीक है। और वीडियो को कोशिश करा करो कि पूरा देखा करो, ताकि मुझे वॉच टाइम मिले, वॉच टाइम की मुझे नीड है। मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपका भाई फिर अर्निंग भी शुरू हो जाएगी थोड़ी बहुत। यार इतने टाइम से कर रहा हूँ व्लॉगिंग, यार कुछ तो मिलना चाहिए ना, तो थोड़ी आप लोग करो मदद, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फाइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए, चलना चाहते आज साथ मेरे, जिन्हें पहले लगता था रास्ता खराब, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ। चली ना तेरी, चली ना तेरी, चली ना तेरी, मेहनत मैंने रुकने ना दी, चाहे किस्मत चली ना मेरी। अपनी खाली थाली खाते खाने को थानी, तो मालूम था खा लूंगा सीन, जिस जगह पे इनकी जल्दी है।